हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट जो होता है उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लो आराम से। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेबिलिटी। जो हमारा ये पॉइंट है इसका मतलब है एप्लीकेबल टू बिजनेस फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेबल है टू द बिजनेस फील्ड इट्स ओन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। जो एजुकेशन मैनेजमेंट होता है रेगुलेट्स रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स आए हैं मैनेजमेंट के पास उनको रेगुलेट करवाना, ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, उसके रूल्स रेगुलेशंस को उसको मानना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटी। जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है ये टॉप लेवल अथॉरिटी है। ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर सिर्फ एट अ बिल्डिंग लेवल देखें, यानी कि एट ऑन ओनली वन प्रीमिसेस, तो टॉप लेवल की होती है। अगर गवर्नमेंट फील्ड के अंदर देखें तो इसके टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होएगा, जो बोर्ड होएगा, यानी कि स्टेट बोर्ड हो सकता है, सेंट्रल बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है, मतलब कि वो उसका टॉप लेवल हो गया। अगर स्कूल लेवल पे देखें तो स्कूल के जो मतलब कि इम्पॉर्टेंट मेंबर्स जो डिसीजन मेक कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट की क्या अथॉरिटी होती है, मिडल टू लोअर लेवल। यानी कि मैनेजमेंट मिडल से लेके टॉप लेवल तो क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था, बट जो मिडल लेवल किसका किसका है, मिडल लेवल पे और लोअर लेवल पे मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ऑपरेशन। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ऑपरेट किस किस एरिया पे करता है, बोथ ऑन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल फील्ड। ठीक है, जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन गवर्नमेंट फील्ड और नॉन गवर्नमेंट फील्ड दोनों के ऊपर ही होता है। नेक्स्ट है ऑन इट्स ओन थीम, यानी कि जो अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो एट ओनली वन कंडीशन, मतलब कि वहाँ पे या तो स्कूल होगा कोई प्रॉपर, ठीक है, कोई अनदर कैंपस हो सकता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की बात आएगी, या तो गवर्नमेंट होगा, अगर स्कूल प्राइवेट है तो प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट होगा, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल का मैनेजमेंट होगा। मतलब कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अलग अलग तरीके से रेगुलेट किए जाते हैं, बट वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनको एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट का अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।